नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गरुंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड्स, आज शिवरात्रि है इसलिए मैं जल्दी नहा ली हूँ और फिर मैं मार्केट भी हो आई हूँ क्योंकि मुझे फ्रूट्स और सब्जियाँ लानी थी। और देखिए फ्रेंड्स, बारिश में हरियाली कितनी हो रही है। दोस्तों, जो मेरे पौधे बरामदे में रखे रहते हैं उनमें बारिश का पानी नहीं जाता है, तो बारिश के दिनों में मैं उन्हें थोड़े दिनों के लिए बाहर रख देती हूँ। जैसे एक दो दिन के लिए बाहर रख दिए स्टेयर्स पे, क्योंकि बारिश रोज आ रही है और बारिश के पानी से पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, बहुत हरे भरे दिखते हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। सुबह का टाइम है तो मैं अपने हस्बैंड के साथ स्कूटर पर सब्जी लेने जा रही हूँ क्योंकि आज शिवरात्रि है और तो रोड से फ्रूट्स वगैरह लाने हैं। मेरा और सक्षम का तो फास्ट है फ्रेंड्स। और सुबह के टाइम देखिए कि और एक बारिश के बाद कितना सुंदर लगता है मौसम, हरियाली सी रही है। ये तिलक रोड है फ्रेंड्स, देहरादून की तिलक रोड। और यहाँ पे वैसे तो बहुत ट्रैफिक होता है पर सुबह के समय बिल्कुल खाली है। यदि आप सुबह जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा होता है आपको ट्रैफिक मिलता है। और हम सब्जी मंडी आ गए हैं। जो ये रोड है फ्रेंड्स, इस पर दिन में स्कूटर चलाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 7 बजे देखिए कि कितना खाली है। और यहाँ से मैंने अधिकतर मैं यहीं से फ्रूट्स वो सब्जियाँ लेती हूँ, तो मैंने इनकी दुकान से सब्जी ली है थोड़ी बहुत। और फिर हम वापस जा रहे हैं, फ्रूट्स मैं दूसरी दुकान से लेती हूँ। तो सब्जियाँ मंडी में देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोग सब्जियाँ और फल लेने आते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पपीता भी लिया है। और ये देखिए, मैं समोसे दिखाना चाह रही थी आपको कि वहाँ पे देखिए समोसे खस्ता लेने के लिए भी लोग आ गए हैं दुकान पे। और यहाँ से मैंने मौसमी लिया है क्योंकि मौसमी मुझे और सक्षम को दोनों को बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, इस समय आप गाड़ी में भी आ सकते हैं फ्रूट्स लेने के लिए, इतनी चीड़ होती है फ्रेंड्स। यदि आप सब्जी मंडी नहीं गए हैं सब्जियाँ लेने, तो सब्जी मंडी में जाने का जो मज़ा है, सब्जियाँ लेने का जो मज़ा है, वो कहीं और नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर टू व्हीलर्स पर जाइएगा सुबह के समय सब्जी लेने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जाइएगा पर अपने हस्बैंड के साथ, तभी अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज मैं आपको पुराना देहरादून घुमाती हूँ। ये है हनुमान चौक, यहाँ पर आड़त बाज़ार जिसे कहते हैं वो हैं, सारे मतलब ग्रोसरी की दुकानें हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहती है, भीड़ भड़ाका वाला इलाका तो है। हमें कुछ सामान लेना था जो कि धामा वाला या पल्टन बाज़ार से मिलेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी खस्ता और समोसे अच्छे हैं। अगर मेरा फास्ट ना होता तो मैं ज़रूर घर पर समोसे या खस्ता ले जाती क्योंकि मुझे बहुत शौक है खाने का। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पल्टन बाज़ार कितना सुंदर लगता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी नेम प्लेट्स थी ऊपर शॉप्स की, वो सब एक ही कलर में कर दी गई हैं, तो पल्टन बाज़ार बहुत ही सुंदर लगता है। और ये इधर थी फ्रेंड्स राजा रोड, और यहाँ पर मैं पिक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इतनी खाली रोड कभी मिलती नहीं है। ये शाकुंभरी देवी का मंदिर, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ से हमने दूध और पनीर लिया था फ्रेंड्स। ये है हमारी शॉप ब्लू लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से, और ये तिलक रोड पर स्थित है फ्रेंड्स। मैंने योगा भी किया था सुबह को और उसके बाद मैं नहा धोकर मार्केट गई थी। तो फ्रेंड्स, मौसम खुला हुआ है तो मुझे लग रहा है कि मशीन भी लगा लेनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये लड्डू गोपाल जी का पहले दिन का प्रसाद होता है, प्रसाद तो हम रात को खा लेते हैं, लेकिन जो जल होता है वो फ्रेंड्स मैं चाय के पानी में मिला देती हूँ ताकि फ्रेंड्स लड्डू गोपाल जी का प्रसाद लग चुका है, फूल उन्हें चढ़ाने के लिए है। और ये मैंने चीला नाश्ते पापा जी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, तो कोल्ड कॉफ़ी बनाई है फ्रेंड्स। और ये मैंने फीके चिप्स बनाए हैं, फीके चिप्स मैंने मार्च में बना के रख लिए थे, बस उसे तलने होते हैं। उसकी मैं रेसिपी उस समय बना नहीं पाई थी, आई होप अगले बार मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो फ्रेंड देखिए, जैसे ही मैंने कपड़े सुखाए हैं बादल आ गए हैं, लेकिन फिलहाल तो मैंने कपड़े सुखा दिए हैं, अब पता नहीं बारिश आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि कपड़े सूखने बड़े मुश्किल होते हैं। और ये है राशन का सामान जो कि मुझे आज सब अपनी अपनी जगह रखना है। तो फ्रेंड्स, राशन है जो हम वही हनुमान चौक से मंगाते हैं, तो वो उसी तरह जैसे कट्टों में आता है। मैं अपना सामान मिटा दे रही हूँ। हम एक्चुअली में झंडे मार्केट से अपना सामान मंगाते हैं, और ये है मखाने, ये इस तरीके जो कनस्तर है उसमें मैं अपना सामान रखती हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह की कनस्तर है हमारे घर में, और जो बचा हुआ जैसे मैंने मूंगफली फिल कर दिया, जो बची है वो मैं इसे भर के रख देती हूँ, या जो इसे कोई खत्म होने वाला है तो फिर मैं सोचती हूँ कि उसको बाद में निकाल दूंगी। और इस तरह की कनस्तर में अपना सारा सामान। दोस्तों, मुझे गरम मसाला और लाल मिर्च पीसनी थी, तो उसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ क्योंकि समय थोड़ी धूप फिर से निकल गई है, तो मैं इसे धूप में रख दूँगी। और ये फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी डिब्बी है जिसमें मैं कच्चा दूध रख रही हूँ। कच्चा दूध से हम ये जो डिब्बी है इसी में जल मिलाकर वहाँ पर चढ़ा देते हैं शिव जी पर। और तो फ्रेंड्स, जैसे ये छोले भी ताने, मैंने पुराने छोले एक प्लेट में निकाल दिए हैं, और अब इसमें मैं नए छोले डाल दूँगी और पुराने छोले ऊपर से डाल दूँगी। दोस्तों, बारिश का मौसम है तो इसलिए लगता है कि सामान जल्दी से दिया जाए वरना बड़ी दिक्कत हो जाती है फ्रेंड्स। हींग हम इस तरह का बाज़ार से पिसा हुआ यूज़ करते हैं। और खाने में मैंने आलू की पकौड़ी बनाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को एक मीटिंग में जाना था और पापा जी को भी बाहर जाना था। और अब देखिए बारिश कितनी तेज़ शुरू हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है फ्रेंड्स। शाम को जल चढ़ाने जाऊँगी, मैं आपको बता रहा था कि
ने बताया था मुझे, और अब मैं जल कराने के लिए जा रही हूँ और शिव जी की पूजा कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैंने ये कॉफ़ी मंगवाई थी, रेज की कॉफ़ी है ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और ये कॉफ़ी बहुत टेस्टी है इसलिए मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ। हमने दो फ्लेवर्स में मंगवाई है फ्रेंड्स, एक तो है डार्क चॉकलेट और ये है डार्क चॉकलेट फ्रेंड्स, पर ये मुझे कम पसंद है, ये मेरे बच्चों को, ये है डार्क चॉकलेट फ्रेंड्स, ये मुझे कम पसंद है, मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है क्योंकि बच्चे इसे बहुत डार्क चॉकलेट को पसंद करते हैं। और मैंने अपनी फेवरेट मंगवाई थी हेज़लनट, तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कॉफ़ी वाकई में बहुत टेस्टी है, और यदि आप कॉफ़ी लवर हैं मेरी तरह तो इसे ज़रूर पसंद करेंगे। शिवरात्रि है आज जैसे कि आप जानते हैं, और मैं आपसे दो बातें ज़रूर शेयर करूंगी जो कि मुझे पंडित जी ने बताई थी, क्योंकि मैंने भी अपने घर पर शिवलिंग रखा हुआ है, पहले वो मैं पूजा में रखती थी, फिर मैंने बेलपत्री के पेड़ में रख दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि शिवलिंग नहीं होना चाहिए आपके घर में, तो शिव जी का जो मंदिर होता है वो भी मंदिर के अंदर मंदिर होता है, तो इसलिए शिवलिंग घर पर नहीं रखना चाहिए, या फिर उनका प्रॉपर मंदिर बनाना चाहिए जिसमें केवल शिव जी विराजमान हो। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं उनको पहते पानी में उन्होंने कहा आप सहला दीजिए, लेकिन जो सहलाना है वो सावन के बाद है, तो मैं भी सावन के बाद ही इसको सहलाऊंगी। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि एक जल जो हम शिव जी पर चढ़ाते हैं वो हमें प्रदोष काल में चढ़ाना चाहिए, यानी कि जब दिन छिपता है उसे एक घंटा पहले और एक घंटा बाद में तभी हमें जल चढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स एक मुझे रावण स्रोत आता है पर मुझे वो थोड़ा सा आता है तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी, और मैंने जो थोड़ा सा शादी से पहले अपने चाचा जी से सीखा था, लेकिन मैं उसका एक स्टैंडर्ड सीख पाई थी, उसके बाद मैं नहीं सीख पाई और ना मैंने कभी कोशिश की, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे पूरा सीख लूँ। तो यह है फ्रेंड्स, ओम जटा टवि गलज लवे प्रवा पावि से सले गले वलम्ब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निडा डमड मरवयम चकार चंडता नुन तुने शिव शाम। जय भोलेनाथ।